दोस्तों CISU कैसे पिक्चर में आती है पहले आप ये समझिए। यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल निसंकोच आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेजेस की अलग बात है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। हरियाणा में बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जो बीएड में एडमिशन लेती है, किसी में भी एडमिशन निसंकोच आप ले सकते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज है। दोस्तों हालांकि अपने देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज चलती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी चलती है बहुत सारी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी है। यूनिवर्सिटीज में से एक नाम आता है, हरियाणा में जितनी भी टोटल यूनिवर्सिटीज चलती हैं उन्हीं में से एक नाम आता है CRSU का, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि जींद में स्थित है। ये यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई 2014 से। खास करके ज्यादातर स्टूडेंट जो जानते हैं इस यूनिवर्सिटी को वो जानते हैं बीएड से, क्योंकि बीएड जो करने आते हैं स्टूडेंट बाहर से, और इस यूनिवर्सिटी के जो इमर्जिंग बोलूं अगर मैं कोर्सेज की तो थी भी बीएड, क्योंकि बीएड क्यों था, जैसे ही एक साल की बीएड बंद हुई तब से ही CRSU के अंडर आया, काउंसलिंग इस यूनिवर्सिटी ने की और ये यूनिवर्सिटी पूरी तरह से प्रमोट हो गई। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। इस यूनिवर्सिटी के बारे में कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, यूनिवर्सिटी के पास बीएड कैसे करवाती है, यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, दिल्ली से आप यूनिवर्सिटी कैसे जाएंगे, ऐसे बहुत तरह के सवाल हैं आपके दिलों में, उन सभी सवालों का आज जवाब देंगे अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। आप क्लिक करेंगे www. जैसे यहाँ पर लिखा crsu.ac.in पर, मैं आपको बता दूं यूजीसी पर आप जब चेक करेंगे इस यूनिवर्सिटी को, आप जाते हैं सीधा कहां जाएंगे, यूजीसी पर जाइए, स्टेट यूनिवर्सिटीज में आप जाइए, वहां पर जाएंगे, जब नीचे क्लिक कर रहे होंगे हरियाणा पर आकर क्लिक करते हैं आप, उसके बाद जब आप स्क्रॉल करेंगे स्टेट यूनिवर्सिटीज में तो वहां पर यूनिवर्सिटी लिखी है crsu.jind.org। आप ये क्लिक करते हैं तो यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों है ये आप चेक कर लेना, बेहतर आपके लिए इजी होगा। साथ में थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी की हम अगर बात करें जो VC साहब हैं इस यूनिवर्सिटी के, वो है प्रोफेसर राजबीर सिंह सोलंकी, वो यूनिवर्सिटी के VC हैं इस यूनिवर्सिटी के। साथ में रजिस्ट्रार साहब की हम बात करें प्रोफेसर राजेश पुनिया, ये यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब है, दोनों की मेल आईडी यहां आपको मिल जाएगी, साथ में फोन नंबर मिल जाएंगे। अब CRSU यूनिवर्सिटी से जो आप बीएड करते हैं, हालांकि इस यूनिवर्सिटी के पास और भी कई सारे कोर्सेज हैं, आप इस यूनिवर्सिटी को विजिट करना चाहते हैं, दिल्ली से अगर आप विजिट करते हैं लगभग आपको 3 घंटे का टाइम लग जाएगा, और ये अगर किलोमीटर का डिस्टेंस देखें 150 किलोमीटर के आसपास दिखाता है, पर फिर भी टाइम टेकिंग थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग 3 घंटे आपको लगेगा अगर आप दिल्ली से आप जाते हैं इस यूनिवर्सिटी को, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है इसीलिए कोई किस तरह के सवाल लोगों के दिल में नहीं होते और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोग बीएड में लेते भी हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थोड़ा और बताता हूं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी लिखती है अपनी वेबसाइट पर जब आप अबाउट CRSU में जाते हैं, एस्टैब्लिश बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट 28 ऑफ 2014 ऑन जुलाई 24th 2014, CRSU हैज, मतलब यूनिवर्सिटी ये जो आई है 2014 में यूनिवर्सिटी आई है, और यूनिवर्सिटी के पास लगभग 75 एकड़ का कैंपस है यूनिवर्सिटी के पास, जो यूनिवर्सिटी आपके बीएड के एडमिशन लेती है। और भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा जो और भी यूनिवर्सिटी मेंशन करती है, द यूनिवर्सिटी इज एफिलिएटेड अंडर सेक्शन 2F, सभी यूनिवर्सिटी 2F के तहत ही बनती है, जो हमारा UGC का एक्ट है 1956 का, उसमें आप देखेंगे तो वाइट लेटर नंबर सब डिटेल यहां डली हुई है। दोस्तों CRSU कैसे पिक्चर में आती है पहले आप ये समझिए, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल निसंकोच आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेजेस की अलग बात है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस आपको पूरे हरियाणा में मिलेंगे जहां से आप बीएड में एडमिशन ले पाएंगे CRSU में, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर। अब इसमें जो बीएड चलती है 2014-15 लास्ट बैच था जब एक साल की बीएड चलती थी, और 2014-15 के बाद से ये बीएड हो गई 2 साल की,
जो पहली काउंसलिंग की 2015 से लेकर 2017 की, वो की CRSU ने, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग की, जब से सभी स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी को जानने लगे। और इस यूनिवर्सिटी में उसके बाद जब आगे देखे, 2 साल की बीएड हो जाती है, उसके बाद अलग अलग मतलब की बेल्ट वाइज ये बन गया, डिवाइड हो गया, कहीं पर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी आ गई, कहीं पर CRSU यूनिवर्सिटी हुआ, कहीं पर MDU हुआ, पहले MDU ही काउंसिल करती थी जब 1 साल की बीएड चलती थी, कहीं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी आ गई, कहीं डीग्रस्त यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी है, हरियाणा में बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जो बीएड में एडमिशन लेती है, किसी में भी एडमिशन निसंकोच आप ले सकते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज है, प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा, मेरिट बेस पर आपका एडमिशन किया जाएगा, किसी भी स्टेट के हो आप आकर हरियाणा में एडमिशन बीएड में ले सकते हैं। पर कोई भी आपके सवाल है, सवाल बहुत तरह के लोगों के दिल में होते हैं, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज के पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जिन कॉलेजेस में एडमिशंस कराए जाते हैं, जिन कॉलेजेस को अलॉट किया जाता है कि आप एडमिशन लीजिए, किसी के पास 100 सीट्स है, किसी के पास 200 सीट्स भी है। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि RTI एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहें तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर RTI लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, LOR, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं, और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों, कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज का चयन आप करें, कॉलेज को विजिट करें, देखें सिर्फ कॉलेज के लुभावने एडवर्टीजमेंट्स के आधार पर एडमिशन बिल्कुल ना लें। हम जो वीडियो बनाते हैं, हम बताते हैं किस किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, क्या अप्रूवल्स है, और क्या बोलती है UGC की वेबसाइट, क्या बोलती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। यूनिवर्सिटी, हालांकि ये गवर्नमेंट एक यूनिवर्सिटी है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटी ये है, एक जो हरियाणा में जींद में बनी हुई है, 2014 में अस्तित्व में आई, पर जो कॉलेज आपको मिलेंगे बीएड करने के लिए वो कॉलेजेस प्राइवेट हो सकते हैं, सरकारी कॉलेजेस भी हैं, बट प्राइवेट कॉलेज ज्यादातर आपका नंबर आता है जब मेरिट लिस्ट के थ्रू आप जाते हैं और आप हरियाणा के रेजिडेंशियल नहीं है। कोई किस तरह की प्रॉब्लम है, डाउट्स है किसी भी यूनिवर्सिटी को लेकर, किसी भी कोर्स को लेकर, CRSU के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें। हालांकि इस यूनिवर्सिटी में आप बीएड करें चाहे आप BPED करें, प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की स्टेट यूनिवर्सिटी है। आप अगले किस यूनिवर्सिटी पर वीडियो चाहते हैं, किस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछना, हम आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को हर तरह की अपडेट जो एजुकेशन से रिलेटेड आती है वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ।